सिंह टीवी सीके टीडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप देख रहे हैं पांडव जलप्रपात पन्ना से 14 किलोमीटर और खजुराहो से 34 किलोमीटर की दूरी पर पांडव जलप्रपात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। यह एक शांत झरना है। खजुराहो पन्ना राजमार्ग पर स्थित पांडव जलप्रपात पन्ना में दार्शनिक झरनों में से एक है। पांडव जलप्रपात मध्य प्रदेश से के नदी की एक सहायक नदी द्वारा गिराया गया एक बारहमासी झरना है। यह झरना जब ऊपर से लगभग 30 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है तो लगभग फूल की आकृति एक दिल के समान होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं झरने में हमारे मित्र जो प्राकृतिक सुंदरता की गोद में बैठे हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं। एक पंक्ति से अपनी बात शुरू करूंगा। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाई, वही दशा हम लोगों की है कि अपने बुंदेलखंड में ऐसी ऐसी सुंदर प्राकृतिक जगह हैं और हम ढेर सारा पैसा लगा के नैनीताल हिमाचल शिमला उत्तराखंड जाने कहाँ कहाँ दौड़ते हैं। कम खर्चे में और कम समय हमारा लगेगा और उससे बेहतर जगह हैं, नेचुरल एकदम प्राकृतिक जगह हैं हमको देखने को मिल सकती हैं। तब से हम लगातार देख रहे हैं, कई स्थानों पर गए और ये माननीय पूर्व मंत्री कुंवर भास्कर सिंह जी का फार्म हाउस उसके पीछे अद्भुत गुफा है जिससे हमेशा पानी चलता रहता है। इस साल थोड़ा बारिश कम हुई है इसलिए झरना धीमा है, अन्यथा बहुत ज़्यादा पानी आगे चलता है। नहाने का अलग ही मज़ा है। यहाँ तमाम सारी औषधियाँ हैं, घने जंगल हैं। अभी हमने कल भीमकुंड देखा, जटाशंकर जी के दर्शन किए, ये अद्भुत गुफा है। अभी कई स्थानों पर जाना है तो आप लोग भी आइए, जो लोग देख रहे हैं बहुत अच्छी जगह है, आइए और ऐसी जगहों का भ्रमण कर अपना सौभाग्य बनाइए और दूसरे लोगों को भी आमंत्रित कीजिए ताकि यहाँ पे पर्यटन की सुविधाएँ हों। और हम जो दूर दूर तक जाते हैं ढेर सारा पैसा लगा के समय लगा के लोग हमारे यहाँ हमारे यहाँ हैं।